press the bell icon for all updates. आज परफॉर्म करने आया हूँ, ओपनिंग द सेरेमनी. मी गुरमीत चौधरी करंटली बोरा वी परफॉर्मिंग फॉर द बॉयज एक्ट. बहुत कमाल का एक्ट है, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट वाकई बड़ा कूल एक्ट है. आई ओपन द एक्ट फॉलोड बाय गुरु डूइंग स्टंट्स लाइक ही ऑलवेज डज. ही इज फैंटास्टिक एट दैट ऑन बाहुबली. उसके बाद हमारे बोरा साहब हैं ऑन खाली बली. सो इट्स गोना बी अ कमाल का परफॉर्मेंस एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो जैसे ही यहां से खत्म होगा आई एम गोना रन इनसाइड एंड डू व्हाट आई गॉट टू डू. मेरी परफॉर्मेंस 90s एक्ट की परफॉर्मेंस है. मैं एक 90s बेबी हूं. आई एम बोर्न इन 1990. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल गाने थे जिन पे मैं बड़ी हुई हूँ. तो तीन गान पे परफॉर्म कर रही हूँ. बहुत मज़ेदार एक्ट है, बहुत फन फिल्ड एक्ट है और बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके. बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है क्योंकि मैं तीन कैटेगरीज में नॉमिनेटेड भी हूँ. मोस्ट फिटेस्ट एक्टर, मोस्ट स्टाइलिश एक्टर एंड बेस्ट एक्टर कॉमेडी रोल. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑल्सो माई शो इज़ नॉमिनेटेड एज बेस्ट कॉमेडी सीरीज. तो वेरी नर्वस. मुझे चाहिए ही चाहिए बेस्ट एक्टर कॉमेडी क्योंकि आई थिंक वो मेरे टैलेंट के बारे में बात करता है. स्टाइलिश और सब चलते रहता है. यू नो मेरा गोल्ड के साथ बड़ा कमाल का एक रिश्ता है क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली स्टेज परफॉर्मेंस गोल्ड पर थी. मुझे याद है मैंने और दृष्टि दामी ने परफॉर्मेंस की थी. सो इट वाज अ वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर मी बिकॉज़ आई वाज रियली नर्वस. मैं कभी स्टेज पर आया नहीं था एंड दृष्टि ने कुछ परफॉर्मेंसेस की थी. मुझे याद है उस टाइम पर मनीष पॉल होस्ट कर रहे थे. सो it was really cool. Yeah, it was a lot of fun and is why Gold is very special. Vikas is very special. He produces the show. He's like a brother and he's like family. So it's a great relationship. Golden moment of my life. वैसे तो बहुत सारे golden moments आते रहते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे performances मिलते हैं, बहुत सारे acts मिलते हैं, बहुत जगह घूमने मिलते हैं. Being an actor इतने सारे privileges भी मिल जाते हैं. तो I think you know एक moment जस्टिफाई करना नहीं है. बट गोल्डन मोमेंट आई थिंक मैं पहली बार लाइफ में जब अंडर वाटर डाइविंग गई थी मेरे लिए वो सबसे गोल्डन मोमेंट है क्योंकि मैंने पहली बार कुछ अलग किया था एंड बहुत स्पेशल था वो. लुक के बारे में मैं बताऊँ क्या बताऊँ. आई एम वेयरिंग अ ब्लू बेबी ब्लू लाइट ब्लू ड्रेस. मैंने सोचा कि कुछ अलग कलर सोचूँ. कुछ गोल्ड के अलावा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था बिकॉज इट्स गोल्ड अवार्ड्स. बट आई थॉट लेट मी ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो आई एम वेयरिंग अ A pretty princess kind of a dress. जल्द ही कुछ और देखूंगी लेकिन अभी देखना ना भूलिए बेलन वाली बहू.